अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बेसिकली डिस्कशन विक्टोरिया सिटी के हवाले से है। विक्टोरिया सिटी का प्रोजेक्ट शेरावाला की तरफ से अनाउंस किया गया था, और अगर प्रीवियसली देखा जाए तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं इस प्रोजेक्ट में। लेकिन ओवरऑल क्योंकि डेवलपर बहुत अच्छा है, सेकेंडली ओवरऑल लोकेशन की अगर बात की जाए तो लोकेशन बहुत प्राइम है। मेन एक्सेस मुल्तान रोड से भी मिल रही है और कैनाल रोड से भी अप्रोच है, तो इन दोनों रीजंस की वजह से जो ओवरऑल मार्केट रही है वो ऑल्दो जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसकी वजह से मार्केट में डिप आया, लेकिन अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रही है। और बेहतरी की डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें सबसे पहले जो डेवलपर है उसकी तरफ से डिफरेंट चीज़ें अनाउंस की गई हैं। ऑन ग्राउंड अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी है। पहले सबसे पहले बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट हुआ। अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था कि जो कैनाल रोड है, कैनाल रोड की जो एक्सेस मिल रही है वो ऑल्दो एक पेव्ड एरिया नहीं है, वहाँ पे अभी रोड वगैरह नहीं बनी हुई, कच्चा रास्ता सिर्फ बना हुआ था इससे पहले। तो अभी रिसेंटली शेरावाला ने अनाउंस किया है कि जैतून सिटी का फेज़ टू जो है वहाँ से ऑनवर्ड विक्टोरिया सिटी तक जो पैच है उस पर प्रॉपर रोड वगैरह बनाई जाएगी, और उसका डेवलपमेंट का काम वगैरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इससे पता चल रहा है कि डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर रेफरेंस, इन नियर फ्यूचर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट वीक हो चुका है, वीक से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है जब शेरावाला की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि विद इन 30 डेज में इसके जो बैक साइड की इंटरेस्ट है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें NOC मिलना है एडवर्टाइजमेंट का, जो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इसकी मार्केट को लेके। फिर साथ ये भी अनाउंस किया था कि विद इन 45 डेज में LDA से भी अप्रूवल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये जो दो न्यूज़ थी इसका भी इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट पे पड़ा, और मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा नीचे डिप पे गई थी, इवन माइनस में चल रही थी, अभी वो काफ़ी बेहतर रेट्स पे आ चुकी है। और अब जो ट्रेडिंग वगैरह भी हो रही है, रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग हो रही है और अच्छे रेट्स पे ट्रेडिंग की जा रही है। अब एक्सपेक्टेड यही है कि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट का NOC वगैरह मिलता है इन्हें, तो उसके मिलने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेटली शेरावाला ने ख़ुद से एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्टार्ट कर देनी है। और जब किसी भी जो सोसाइटी है उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह स्टार्ट होती है, ना आपके बिलबोर्ड्स वगैरह लगेंगे, उसके अलावा कमर्शल्स वगैरह चलेंगे, तो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है ओवरऑल मार्केट पे। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें होने वाली हैं, तो इससे अच्छा खासा डिफरेंस आएगा मार्केट पे। और वो लोग जो काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं इस चीज़ को, अब वो टाइम है जब वो रिवॉर्ड वगैरह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अभी ऑप्शन है, अभी फिर वो टाइम है कि जिस टाइम में आप बाइंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट ने अपने बॉटम को टच किया और वहाँ से फिर वापस आ रही है। और अब जो आगे इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर जो चीज़ें आ रही हैं वो पॉजिटिव न्यूज़ हैं और मार्केट को बेहतरी की तरफ लेके चलेंगी। तो ये ओवरऑल सारी सिचुएशन है। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर हम विक्टोरिया सिटी को बहुत अच्छे लेवल पर देख रहे होंगे, एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ओन आएगा, और ये सारी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपको विक्टोरिया सिटी के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप बुकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो आप मेरे गिवन नंबर 0300-2000-218 पे किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना, अपने मुल्क, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे अब्दुल रहीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।